फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये यूपी बोर्ड हाई स्कूल के ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि अक्सर करके इसमें से एक नंबर या चार नंबर या सात नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकॉन आपको मिलेगा, उसको आप क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो जो अगला आता रहे वहाँ तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानव भाषा पर। जैसा कि ये सामान्य भाषा में हम सभी लोग जानते हैं कि भोजन का पाचन जहाँ पे होता है वो मानव पाचन तंत्र कहलाता है। वैसे अगर देखा जाए तो मानव पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, एक है आहार नाल और एक होता है पाचक ग्रंथि, पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो लगभग 9 से 10 मीटर लंबी होती है, लगभग 9 से 10 मीटर, और वो मुख एवं मुख गुहा, ग्रसनी एवं ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत से मिलकर बना होता है। पाचक ग्रंथियों की बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड्स, इसके बाद दूसरा पैनक्रियाज, तीसरा लीवर। ये दोनों भाग मिलके पाचन तंत्र बनाते हैं और भोजन इन भागों में आता रहता है और यहाँ से एंजाइम्स निकलकर यहाँ पहुँचते रहते हैं, पाचक रस पहुँचते रहते हैं और पाचन करने में मदद करते हैं। तो थोड़ा सा इसका डिटेल हम जानते हैं और इस वीडियो के थ्रू हम थोड़ा आउटलाइन आपको दे रहे हैं, इसका डिटेल अगले वीडियो में हम आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माउथ एंड बंकर कैविटी। जैसे ही दो होंठों से घिरा हुआ एक भाग है जिसको हम मुख कहते हैं, और मुख के आंतरिक भाग जो कि एक गुहा के जैसे रिक्त स्थान दिखती है वो है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के ऊपर तालू है, जीभ पाया जाता है, बक्कल कैविटी में दांत पाए जाते हैं जो कि हमारे भोजन को उलटने पुलटने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं, और मुख में या बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो थ्री पेयर पाई जाती हैं, तीन जोड़ियां, एक पैरोटिड, एक सब मैक्सिलरी, एक सब लिंगुअल। ये तीनों ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में स्थित होती हैं, जो समय समय पर लार का सेक्रेशन करती हैं, जिसमें टाइलिल एंजाइम्स पाए जाते हैं। मुख में भोजन के टुकड़ों को रखते ही हम उसको जीभ से पलटते हैं, दांतों से कूचते हैं, और उसी समय हमारे मुख गुहा में लार निकलता है जिसमें जो है सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और मुख गुहा में सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि लार का सेक्रेशन करती है। इसमें जो तीन मुख्य हैं वो पैरोटिड है, पैरोटिड जो है हमारे सिर के, जो हमारा सिर है, हमारे सिर के दोनों कड़ पल्लों के नीचे, हमारे सिर के दोनों कड़ पल्लों के नीचे पाई जाती है, और जो सबमैक्सिलरी है वो ऊपरी और निचली जबड़े, जहाँ पे ऊपरी और निचली जबड़े जुड़े होते हैं उस स्थान में पाई जाती है, और जो सब लिंगुअल है वो हमारे जीभ के नीचे मुख गुहा के तल पर, जीभ के नीचे मुख गुहा के तल पर पाई जाती है। ये तीनों सम्मिलित रूप से टाइलिन एंजाइम का सेक्रेशन करती हैं और जो भी भोजन हम ले रहे हैं उसको स्टार्च में बदल के अंदर पहुंचाने का काम करती है। भोजन हमारा बक्कल कैविटी से होता हुआ एक पीछे की तरफ एक कीप के आकार की एक संरचना होती है जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। ये लगभग 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता, केवल ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। इसमें एक इस आकार की कह सकते हैं छोटी सी उंगली के छड़ के आकार की ऊपर की तरफ ऐसी संरचना होती है जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और फिर उसके आगे एक ओइसोफेगस जिसको हम ग्रास नली कहते हैं, लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर ये संरचनाएं होती है, और इसके दीवार पर क्रमानुसार गति चलती रहती है जिसके कारण भोजन ग्रसनी से होते हुए आमाशय तक पहुंचता है। ये आपके हाई स्कूल में इस बार 2018 की परीक्षा में ऑप्शनल में पूछा गया है। इस बार 25 से 30 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, ये पूछा गया था, क्वेश्चन में आया था कि ओइसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, तो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, ये एक नंबर में 2018 में पूछा जा चुका है। भोजन क्रमानुकूलन द्वारा ओइसोफेगस से स्टोमस में पहुंचता है। स्टोमस और ओइसोफेगस जहां पे जुड़े होते हैं उसको कार्डियक भाग कहते हैं। कार्डियक भाग से होते हुए भोजन आमाशय में पहुंचता है।
से जे आकार की संरचना है जो डायफ्राम के नीचे बाएं ओर, जो डायफ्राम है हमारा यहाँ पे डायफ्राम के नीचे बाएं ओर उदर गुहा जो पेट के बीच में रिक्त स्थान है वहां पे पाई जाती है। आमाशय में आमाशय की ग्रंथियों से आमाशय एक रस निकलते हैं, उसमें जठर रस भी रहता है, एचसीएल भी रहता है। एचसीएल क्या करता है, जीवाणु विषाणु को नष्ट करता है। जठर रस भोजन का आंशिक पाचन करता है। लुगदी के समान भोजन जो कि आमाशय में रहता है उसे हम काइम बोलते हैं, वो काइम कहलाता है। और भोजन यहाँ पे लगभग 4 घंटे रहता है। एचसीएल भोजन को अम्लीय कर देता है और जीवाणु विषाणु को नष्ट कर देता है। इसके बाद भोजन जो है स्टोमर से होते हुए एक सी आकार की संरचना दिखती है, ग्रहणी। ग्रहणी में पहुंचता है, ग्रहणी छोटी आंत का प्रथम भाग है, छोटी आंत का प्रथम भाग है जो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर संरचना होती है और सी आकार की होती है। ग्रहणी सी आकार की होती है और ग्रहणी के जो सी आकार की संरचना होती है कह सकते हैं इसके इसके बीच में मैसेंट्री द्वारा पैनक्रिया जुड़ा होता है। मैसेंट्री द्वारा पैनक्रिया यहाँ पे जुड़ा होता है। जब भोजन ग्रहणी से होते हुए जाती है तो अग्नाशय से कुछ अग्नाशयी रस भोजन में आके मिलते हैं और उसका पाचन करते हैं, ट्रिप्सिन है या अन्य एंजाइम्स है। और इसीलिए कुछ ग्लूकोज के पाचन के लिए बीटा सेल द्वारा इंसुलिन आता है, अल्फा सेल द्वारा ग्लूकेगॉन आता है जो शुगर लेवल कंट्रोल करता है। इसके बाद छोटिया का दूसरा जो भाग है वो है जीर्ण, जो 2.5 से 2.5 मीटर, लगभग 2.5 मीटर लंबी होती है। और जो तीसरा पार्ट है सबसे लास्ट जो कि बड़ी आंत से जाके जुड़ता है उसे इलियम बोलते हैं, लगभग 3 से 5, 3.5, 3.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। इसके बाद छोटी आंत में ही, छोटी आंत में ही और कह लीजिए कि छोटी आंत के पहले भाग ड्यूडेनम से लेकर और इलियम तक के बीच में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है और भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में ही पित्त रस भोजन को क्षारीय करता है जो कि लीवर से आता है, लीवर से बनता है, पैनक्रियाज में इकट्ठा, सॉरी लीवर से बनता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला भाग सीकम, दूसरा भाग कोलन और तीसरा भाग रेक्टम। जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत आके मिलते हैं वो सीकम है और सीकम में एक उंगली के आकार की संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे में अवशेषी है, किन रूप परशेषिका है, ये सेलुलोज के पाचन के लिए बना है परंतु सेलुलोज ज्यादा मात्रा में मनुष्य द्वारा न लिए जाने के कारण यह एक अवशेषियम के रूप में। कभी कभी कुछ भोजन के टुकड़े वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में पहुंच जाते हैं इसलिए हमें अपेंडिक्स नामक बीमारी हो जाती है, तो ऑपरेशन द्वारा इसको काट के निकाल दिया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें रेक्टम जो सबसे लास्ट पार्ट है, इसी में इसको मलाशय बोलते हैं। भोजन के जल अवशोषण होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो आपके रेक्टम में आके इकट्ठा होता है और समय समय पर बाहर निकलता रहता है। जो कोलन है वो सीकम और रेक्टम के मध्य का भाग है, उल्टे यू आकार की संरचना होती है। और इसके बाद लास्ट पार्ट है रेक्टम जो 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। पैनक्रियाज जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पाचक ग्रंथियों में, इसमें इसकी अगर हम इसके जो है ट्रांसवर्स सेक्शन को काटें, ट्रांसवर्स सेक्शन को काटें और उसमें देखें तो इनलेट्स ऑफ लैंगर हैंस पाए जाते हैं, उसको हम अंतःस्रावी ग्लैंड्स भी कहते हैं। वहां से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वहां पे कुछ सेल्स होती हैं पैनक्रियाज में, अल्फा बीटा और डेल्टा, अल्फा सेल या डेल्टा और बीटा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बीटा, बीटा सेल से हमेशा जो है इंसुलिन का सेक्रेशन होता है जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के लीवर में संचित कर देता है। और जो अल्फा सेल होती है वो बीटा सॉरी अल्फा सेल होती है वो ग्लूकेगॉन का सेक्रेशन करती है। जब कभी हमें हमारे रक्त में कह सकते हैं कि हमारे रक्त में जब ग्लूकोज की कमी होती है तो जो लीवर में संचित है ग्लाइकोजन उससे वो ग्लूकोज को उस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना के रक्त में ला के उसको बैलेंस कर देती है। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा संक्षिप्त की जो पाचन तंत्र से संबंधित है और हाई स्कूल की बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर करके 1 नंबर 4 नंबर भी पूछा जाता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट जरूर करिएगा और एक बार पुनः धन्यवाद।
वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में बेल आइकॉन घंटी को जरूर आप जो है क्लिक क्लिक करिए। तो ठीक है, धन्यवाद।